राम राम शबनम। मैं पिंकी किनाला और तुम देख लग रहे हो रियल हरियाणा। तो भाई पिछली वीडियो तुमने देखी होगी, जो आपने बाबा जी का मैटर देखा उसके बारे में आप और पहुँचे थे और उन्होंने एक पक्ष रखा था भी हम 70% जो है बाबा जी के खिलाफ और सिर्फ 20 या 30% जो बंदे हैं वो उनके पक्ष में हैं। जो बाबा जी का पक्ष था वो अपनी बातें रखना चाहता है, उनकी सफाई जो आप सब देखना चाहते हो कि बाबा जी कितने सही हैं, जो उनके सही मायने हैं। आपने देखा कि बाबा जी ने मना कर दिया अपनी सफाई देने से, लेकिन उनके जो मतलब समर्थक हैं वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो फिलहाल आपको उन सब से मिलवाते हैं, ये बात करते हैं। बताइए जी, बाबा मामला जो है इस गांव का बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ मामला है और आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, ये सोशल मीडिया पर वायरल होया नहीं, ये कराया गया है। ये सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले गाँव के दो चार ही है, इसके पक्ष बाबा के पक्ष में ही है सभी, किसी ने नहीं निकाला। इन्होंने अकेले ने ही पंचायत करके अकेले ने ही दोषी घोषित किया, अकेले ने ही पंचायत की और अकेले ने ही बाबा को दोषी करके वो निकाल दिया गया था। मामला क्या है, ये पूरा मामला क्या है? मामला कुछ है लेन देन का, किसी एक बंदे से कुछ पैसे का लेन देन था और उसके उसने ये सभी षड्यंत्र रचे और उसके अंदर कुछ लोग इस गांव से हैं दो चार और कुछ की पूरी है। कुछ वशीकरण के बातें भी सामने हैं, ये सब षड्यंत्र है, वीडियो है ना जो बनाई हुई है, ये सबने वायरल हो चुकी है, सबने देख रखा है, सभी ने ये निर्दोष साबित किया है। खुद DSP ने देखी है, उन्होंने निर्दोष साबित किया है और हमारी पंचायत हुई है 2 तारीख को DSP के साथ, उसमें ये निर्दोष पाए गए और उसके बाद में 5 तारीख को फिर पंचायत हुई थी, उसमें उन्होंने दूसरे पक्ष ने जिसने ये आरोप लगाए थे उन्होंने माफ़ी मांगी है और लिखित में माफ़ीनामा है वो DSP के पास में, और उन्होंने 5 तारीख को माफ़ी देने के बाद मंतों पर छोड़ दिया था बाबे का मामला, और मंत सुकराईनाथ जी ने ये कमान संभाली थी। उन्होंने आके कमान संभालने के बाद में यहाँ का निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद में उन्होंने कोई खामियाँ नहीं पाई गई, जिसकी वजह से मंत सुकराईनाथ जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बाबा जी निर्दोष है और इन पर कोई दोष नहीं है, अब बाबा यहीं रहेंगे और इनके आगे जो कार्रवाई होगी हम थोड़ी दिन देखने के बाद में चर्चा करेंगे। सर मैं एक बात करूं, बाबा आपके गांव के एक बाबा है और उसके खिलाफ एक वीडियो आई थी वशीकरण को लेकर, जिसमें गांव वाले कह रहे थे भी ये गलत हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत भी थी और वो उनके विरोध में थे। लेकिन बात करें, आप जैसे बाबा के साथ खड़े हो तो बाबा के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहते हो, कितनी सच्चाई बताना चाहते हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो आई है कहीं ना कहीं सच है और बाबा के द्वारा वशीकरण और मृत्युकरण का एक प्रक्रिया की जा रही थी तांत्रिक के द्वारा, और तांत्रिक भी बाहर से बुलाया गया था 3 लाख रुपए में, तो उसके बारे में आपकी सच्चाई क्या है सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा के बारे में तो हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये प्रक्रिया DSP साहब के सामने रख दी थी उन्होंने, अब वो DSP से आप पूछ सकते हो उन्होंने क्या रखा है। बाबा का आप समर्थन कर रहे हो उसके बारे में? समर्थन तो होगा ना, हम समर्थन कर रहे हैं, DSP साहब ने उन्होंने कानून ने उन्होंने निर्दोष साबित कर दिया, हम कानून के साथ हैं और कानून हमें कानून पर विश्वास है। आपने मामला बताया कि लेन देन का मामला था, क्या मामला था, कितने पैसों का था या किसी अन्य प्रकार का कोई मामला था? कुछ पैसों का था, किसी एक बंदे के साथ में था क्या? नहीं, ये नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं ले सकता मैं। बाबा के साथ में था या किसी? बाबा के साथ में था और डेरे में हर अमाउस को दूध आता है, उसका मामला था। तो फिर पूरा गांव क्यों इकट्ठा उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया, जैसा क्या बात हुई? कहां पूरा गांव? एक मामले की वजह को लेकर पूरा गांव नहीं है जी। अच्छा जी, पूरा गांव नहीं है, मैंने बता दिया ना आपको भाई, अकेली ने पंचायत की थी और अकेली ने ही निर्णय लिया भाई बाबा दोषी है, उन्होंने निकाल दिया। जब डाणी वालों को पता चला कि बाबा निर्दोष नहीं है, तब उनके समर्थक में सभी डाणी की पूरी उसके समर्थन में है। कुछ लोगों ने जो तांत्रिक की वीडियो वायरल हुई है वो उसी डेरे के अंदर है जिसमें वो बाबा जी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो कितनी सच्ची है? वो वीडियो उन्होंने DSP साहब को दिखा दिए, DSP साहब ने देख के कहा ये फ्रॉड है, ये वीडियो सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बनाई गई है। और एक ऑडियो भी साथ में वायरल हुई है, ऑडियो है, ऑडियो हमने तो अभी तक सुनी नहीं है मैंने तो, और ऑडियो के बारे में उनको जानकारी है DSP साहब ने, जो भी है उनके। मामला जातिगत भी बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जातिगत इसको रंग दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखो जी, ये जो हमारा गाँव का डेरा है ना, ये 3 गाँव है, यहाँ गाँव डाणी सांतला डाणी 3 गांव का डेरा है। इस डेरे के अंदर ये जो मंत्री है
ये 55 वर्ष से यही है, 3 वर्ष के थे तब से इनको छोड़ा गया है, तो तब से ये यहीं पर है। इनकी माताजी ने इनको यहाँ चढ़ा दिया था क्योंकि बाबा की मनोकामना से ही मतलब बच्चा हुआ था और उनकी माँ ने इसको यहीं चढ़ा दिया गांव के मंदिर में। और इस अखाड़े के अंदर मतलब वो 55 साल से रह रहे हैं और लगभग गद्दी संभाले हुए उनको 25 वर्ष हो गए, 25-26 वर्ष हो गए। तो 25-26 वर्ष से इनके ऊपर कोई भी आरोप, पहले कोई आरोप नहीं है, कहीं भी कोई भी आरोप नहीं आज तक। और अब जो ये आरोप लगा है, ये जो डाणी भोजराज है के लोग उस दिन आए, उन्होंने कोई ये वीडियो वायरल पहले नहीं हुई थी, नहीं किसी को पता था, वो आए गांव में और बाबा जी के पास आए, वहां करके उनको दबाया गया, बाबा जी से माफ़ी मंगवा ली। उसका मामला हमें डाणी और सांचला को बिल्कुल पता नहीं, कोई संज्ञान में नहीं था। ना डाणी के लोग थे न सांचला के लोग थे उस समय, सिर्फ वही जो उनके 50-60 लोग थे वो थे। उसके बाद क्या हुआ, वो मामला ऊपर बढ़ता गया और उससे अगले दिन काफ़ी संख्या में लोग आए और आकर के हु हल्ला किया और बाबा जी को वहाँ से निकालने के लिए कहने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या है, बाबा जी को हु हल्ला करके ज़्यादा लोग थे संख्या में, उन्होंने बाबा जी को निकाल दिया। बाबा जी निकल के, बाबा जी को उनके मठ के जो है रूपनाथ जी हैं वो यहाँ से लेकर के चले गए। बाद में क्या होता है कि वो जो लड़की है वहीं आती है, वो लड़की जिस लड़की को मतलब आधार बना करके उसके ऊपर षड्यंत्र रचा गया था, वो लड़की आकर के मंदिर के अंदर पूरी पंचायत पूरे गाँव के लोगों के सामने उसने कहा कि बाबा जी निर्दोष है और मैं इस चीज़ को ना मेरे साथ कोई वशीकरण किया गया है ना मैं इसको मानती हूँ। इस मामले में लड़की का जो जिक्र किया है, ये इंटरफेयर कहाँ से हुआ? ये इंटरफेयर उसी दिन से हुआ जिस दिन बाबा जी को मंदिर के अंदर निकालने का साजिश थी, जिस दिन निकाला गया बाबा जी को उसी दिन। लड़की का इसमें क्या रोल है, किस प्रकार से उस लड़की का जो है नाम आया है? लड़की का नाम वही उजागर करने वाले, हमें उसका भी नहीं पता, लड़की का नाम वही उजागर करने वाले। लेकिन उससे अगले दिन लड़की ने क्या किया, थाने में जाकर के FIR कटा दी 5-6 लोगों के खिलाफ। मतलब ये है कि लड़की का जो जिक्र आया है ये कैसे आया है? ये मैं बताता हूँ आपको, ये एक साधु से तांत्रिक जो कर रहे हैं प्रक्रिया, एक साधु से जो सिद्धि प्राप्त करनी होती है, एक साधु से साधु नहीं कर सकता, दूसरे साधु की सहायता लेनी पड़ती है उसमें, और वही उन्होंने साधु को बुलाया था। और ये लड़की थी है, ये रितु विक्की कौशल है, पता नहीं कौन सा ये विकीपीडिया है, उसके ऊपर आप सर्च देख कर सकते हो इसको, ये ऋतुमती उसका मंत्र जाप है। ये लड़की का नाम नहीं ले रही, जो ऋतु का नाम लिया था उन्होंने वो बाबा जी की चेली है, वो अपने बाबा जी को अपने बाप के सम्मान मानती है। तो क्या बाबा जी ने ही बुलाया था उस तांत्रिक को? तो वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए बुलाएंगे, तो फिर वीडियो भी उसने क्यों बनाई? वो उस साधु ने बनाई थी, तो क्यों बनाई? वो कुछ लोगों के नहीं, वो कुछ लोग उसके साथ मिले हुए थे, ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था। कुछ लोगों का कहना ये है कि बाबा ने अपना जुर्म कबूल किया, नहीं जुर्म कहा कबूल किया, किसके सामने? हमारे सामने तो नहीं किया सर। आप सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, दोनों गाँव पास पास में है, तो क्या चाहते हैं आप? हम इस गांव में पूरी शांति चाहते हैं, बढ़िया ढंग से भाईचारा बना रहे, माहौल बढ़िया रहे, यही चाहते हैं। कानून से और कानूनी प्रक्रिया से कानूनी प्रक्रिया पर हमें पूरा विश्वास है। आपको क्या लगता है, जो अघोरी जो तांत्रिक बुलाया गया था उसने जो वीडियो बनाई है विरोध में, वो कहता है कि एक लड़की के वशीकरण नहीं, ये षड्यंत्र रचा गया था और ये वीडियो उस षड्यंत्रकारियों के द्वारा कहने पर बनाई गई है। एक आर्टिकल भी वायरल हो रही है जिसमें पैसों का जिक्र है, 3 लाख रुपए में इस वशीकरण का जो है, नहीं ये तो फिर मामला जो 3 लाख रुपए का था, 20,000 रुपए उन्होंने पहले किराए के लिए दे दिए, 1 लाख रुपए यहाँ कैश दे दिए, 1 लाख के बाद में दे दिया, नहीं उसके बाद में 1 लाख रुपया और पेंडिंग था जिसको लेकर के ये वीडियो ऑडियो जो पैसे वायरल हो रहे, जो पैसे का मामला है ये षड्यंत्र है बाबा से पैसे ऐठने का। बाबा से पैसे ऐठने का आपने ठीक है बता दिया, लेकिन वही बाबा जो है वो वहाँ पर आकर के वशीकरण कर रहा है, ये क्या कर रहा है? वशीकरण नहीं कर रहा है ये, वो सिद्धि कर रहा है, बाबा जी सिद्धि करवा रहे उनसे। दूसरा रोल जिस प्रकार एक मरीज एक डॉक्टर से ठीक नहीं होता, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वही इसका मैटर है, वो सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है इनको। और साधु अगर कोई कहीं ना कहीं उसके मठ के जो बड़े होते हैं वो भी तो आते हैं, तो क्यों नहीं आए? सिद्धि प्राप्त कर नहीं, दो साधु के बीच में होती है, पूरे पूरे समाज के सामने थे, मठ के तो आते हैं, समाज के सामने नहीं होती। जब सिद्धि प्राप्त करते हैं मठ के तो आए, समाज के सामने नहीं होती, एकांत में होती है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद एकांत में होती है सिद्धि, जो भी प्रक्रिया साधु संतों की होती है वो एकांत में करते हैं। आप कहीं पे बता दे कोई साधु तंत्र मंत्र विद्या कर रहे हैं, वो कहीं खुले में कर रहे हो तो देखिए, मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। जब इस बात को लेकर के उस महंत के पास उस मंदिर में गए तो उन्होंने अपना कोई भी बयान रखने से मना कर दिया,
क्या कारण था, क्या वो वास्तव में इस मामले में इन्वॉल्व थे या फिर कोई और कारण नहीं, था उनकी तबीयत डाउन है, तबीयत डाउन है उसकी, इसलिए वो कुछ भी बयान नहीं देना चाहते। मीडिया के सामने उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि मैं बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि उन्होंने तबीयत का कोई जिक्र नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं? हम बातचीत भी कर रहे हैं। नहीं, हमने उनको टेबलेट दी है इसलिए हमें यही पता है। हमने तो चाय दी थी, टेबलेट दी थी, इसलिए हमें पता है उसकी तबीयत के, हमारा अंदाजा है उसकी तबीयत खराब हो सकती है। ये खड़ा हुआ था ना, उससे घबराए हुए भी है। तो आप कहना चाहते हैं सुब्राई नाथ महाराज जी ने इनको निर्दोष साबित कर दिया? हाँ जी, और प्रशासन की तरफ से भी इनको निर्दोष साबित कर दिया जी। इस बात के लिए आप 100% बोल रहे हैं? हाँ जी। कुछ बातें ऐसी आ रही थी, जिस महिला का नाम आ रहा है उस महिला ने इस बाबा को राखी बांधी है। राखी का कोई मैटर नहीं है, ये हमारे कोई भी संज्ञान में नहीं है और न ही कोई ये मामला आया है अभी तक। तो अभी तक कोई जिक्र भी नहीं आया इसका। आज पहली बार कैसे आ गया ये? अभी तक नहीं आया है ये। आज 18 तारीख 19 तारीख से बात चल रही है, अभी तक नहीं आया। गांव के लोग तो अब कुछ ना कुछ कहेंगे। अब पत्रकार के बारे में भी बोल रहे हैं, वो तो पत्रकार बिक चुका है। इस लड़की को भी बोला था पंचायत में, भाई ये बिक चुकी है, फलाना है, है? इतने आप शब्द बोले, आपकी खुद की लड़की है, उन्हीं की खुद की लड़की है, हमारी गांव की छोड़ो, उनके गांव की लड़की है, खुद की बेटी है उनकी, है? है हम भी हमारी बेटी मानते हैं उसको, फिर भी उन्होंने ये बोला है भाई बिक चुकी है। लास्ट सवाल है, इस मामले में चाहते क्या है आप? जितने यहाँ इकट्ठे हुए, हम कानून से इंसाफ चाहते हैं। जो कानून करेगा वो हमें मंजूर है, और कानून के इंसाफ से हम पहले संतुष्ट हुए थे 5 तारीख को, और 2 तारीख को भी हम फतेहाबाद DSP के सामने संतुष्ट हुए थे, और सभी ने हाँ भरी थी, उस पक्ष ने भी भरी थी और हमने भी भरी थी, और आज भी हम कहते हैं जो कानून करेगा वो हमें मंजूर है। अगर लगता है बाबा कानून कहता है कि बाबा नहीं रहेगा, तो क्या आप कानून का साथ देंगे? बिल्कुल देंगे कानून का। DSP साहब अगर आगे DSP साहब कह देंगे ना भाई बाबा दोषी है, हम कानून का साथ देंगे। अगर इस मामले में बाबा दोषी पाया जाता है, जांच अंडर इन्वेस्टिगेशन है, दोषी पाया जाता है, तो आप लोगों का स्टैंड क्या रहने वाला है? तो हम कानून के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं। जो बाबा गलत है तो हम कानून